गुड मॉर्निंग। आज 10 नवंबर 2019 आर्टिकल न्यायालय ने अपनी भूमिका निभा दी। हिंदुस्तान पेपर से डिक्टेशन स्टार्ट हो रही है थोड़ी देर में। स्टार्ट। राम जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला न्यायपालिका के वैश्विक इतिहास में मील का पत्थर है। इससे न केवल एक ऐसे विवाद का सुखद समापन हुआ है जो सन 1858 से अब तक अदालती दांव पेच में उलझा रहा, बल्कि इसके जरिए दुनिया के दो बड़े समुदायों के मन मुटाव को समाप्त करने का अवसर भी मिला है। यह दुनिया के उन चंद फैसलों में एक हैं जिसमें सभी पक्षकारों को विजय मिली है। ऐसा इसलिए हो पाया है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय देते वक्त केवल धार्मिक मान्यता को आधार नहीं बनने दिया। उसने तमाम उपलब्ध सबूतों का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण किया और गुण दोष के आधार पर फैसला लिया है। अदालत के सामने तर्क यह दिया गया था कि राम लल्ला विराजमान को विधिक व्यक्ति मानते हुए विवादास्पद जमीन सौंप दी जाए। आम तौर पर देवताओं की मूर्ति को भी कानूनी व्यक्ति का दर्जा दे दिया जाता है। राम लल्ला करोड़ों हिंदुओं की आस्था के केंद्र बिंदु हैं, पर इसके बावजूद राम लल्ला विराजमान को विधिक व्यक्ति का दर्जा नहीं दिया गया, क्योंकि अदालत के सामने पेश किए गए सबूतों द्वारा इसकी पुष्टि नहीं हो पाई। इसके उलट अदालत ने पुरातत्व संरक्षण संस्थान द्वारा की गई खुदाई में प्राप्त अवशेषों और उनके आधार पर निकाले गए तार्किक निष्कर्षों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया, क्योंकि उन्हें स्वीकारने के लिए वैज्ञानिक व वस्तुनिष्ठ आधार मौजूद थे। खुदाई में मिली सामग्री किसी इस्लामी इमारत या पूजा स्थल से मेल नहीं खाते थे, बल्कि वे किसी मंदिर के ढांचे के हिस्से जैसे थे। इसलिए अदालत ने स्वीकार किया कि उस जगह पर पहले कोई मंदिर था, किंतु जब इस बात की पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिले कि वहां मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी, तो न्यायालय ने दो टुक शब्दों में अपना मत व्यक्त किया कि वहां मंदिर तोड़कर बनाए जाने के पर्याप्त सबूत नहीं। जन विश्वास अदालतों की सबसे बड़ी पूंजी होती है और इसे तब मजबूती मिलती है जब अदालत कोरी मान्यता पर नहीं बल्कि वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों के आधार पर फैसला दे। लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए आस्था से जुड़े विषयों पर फैसले लेना सबसे कठिन होता है। उनके लिए यह और अधिक दुष्कर होता है क्योंकि वे अपने ऊपर लगाए गए मिथ्या आरोपों का समाज के सामने प्रतिवाद नहीं कर सकती। शायद यह उन कारणों में से एक कारण रहा होगा जिसकी वजह से पिछले 160 से भी अधिक वर्षों से यह मामला लंबित रहा। अदालत के सामने इस बात के पर्याप्त साक्ष्य थे कि हिंदू मतावलंबी उस जगह को अपने इष्ट की जन्मस्थली मानते आए हैं। इसके साथ ही इस बात
का भी साक्ष्य उपलब्ध था कि उस जमीन के एक हिस्से पर लंबे समय तक हर शुक्रवार को नमाज पढ़ी जाती रही। पूजा करने और नमाज पढ़ने को लेकर कई बार विवाद और खूनी झड़पें भी होती रही। सुप्रीम कोर्ट ने उपलब्ध सबूतों के आधार पर यह स्वीकार किया कि वह जगह राम जन्मभूमि के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसलिए वहां पर मंदिर बनाए जाने की अनुमति प्रदान की। किंतु यदि नमाज पढ़े जाने के तथ्य को नकारा जाता तो यह दूसरे पक्ष के साथ नाइंसाफी होती। अदालत ने इस तथ्य को भी पर्याप्त सम्मान दिया और इस निर्णय का एक बहुत अहम पहलू यह भी रहा कि अदालत ने कहा कि यद्यपि सुन्नी वक्फ बोर्ड अपना मालिकाना हक साबित करने में असफल रहा है, मगर इसी आधार पर इस तथ्य को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि विवादित भूमि पर लंबे समय तक नमाज पढ़ी जाती रही। इसलिए अदालत ने सुन्नी वक्फ बोर्ड को मस्जिद बनाने के लिए अयोध्या में 5 एकड़ जमीन देने का भी निर्देश दिया। जिस तरह धर्म स्थल अपने मतावलंबियों के लिए आस्था का केंद्र होते हैं, उसी तरह अदालतें भी राष्ट्र के सर्व समाज के विश्वास को न्यासी होती हैं। वे उनकी आस्था का केंद्र बिंदु होती हैं और इसे बरकरार रखने के लिए उन्हें रोज़ परीक्षा देनी पड़ती है। अदालतों की यह चुनौती इसलिए भी कठिन है क्योंकि उनके पास अपने बचाव के लिए समाज के साथ संवाद करने का मौका नहीं होता। छोटी सी गलत फहमी भी जन विश्वास में सेंध लगाने के लिए काफ़ी होती है। अदालती इतिहास में ऐसे कई मुकाम आए जब पक्षपातपूर्ण निर्णय से पूरा समाज उद्वेलित हो उठा। सन 1858 में ट्रेड स्टॉक के मामले में अमेरिका इस दंश को झेल चुका है। इस मुकदमे में जब सुप्रीम कोर्ट ने वहां के काले लोगों को बराबरी का दर्जा देने से इनकार कर दिया तो वहां गृह युद्ध की पीठिका तैयार हो गई और समाज ने इसकी बड़ी कीमत चुकाई। इससे उबरने में कई दशक लग गए। सर्वोच्च न्यायालय का ताज़ा निर्णय इसलिए भी आदर के योग्य है कि वह वस्तुनिष्ठ साक्ष्यों के आधार पर सभी पक्षकारों को निष्पक्ष और पारदर्शी न्याय देने में सफल हुआ है। इसका सीधा सा संदेश है कि अदालत पूरे समाज की है और वह सभी के विश्वास का केंद्र बिंदु है। सर्वोच्च न्यायालय ने तो अपनी भूमिका निभा दी है, अब इसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी समाज की है। इस डिक्टेशन में 816 शब्द हैं जो 90 शब्द प्रति मिनट की गति से बोला गया है। थैंक यू।